मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं परवल की सब्जी बनाने जा रही हूँ। वैसे तो परवल आप लोगों ने सभी ने खाया होगा, बड़ा लोकप्रिय, बड़ी लोकप्रिय सब्जी है ये शाकाहारियों में, सूखा परवल, शोरबेदार परवल। लेकिन आज मैं आपको भरवा परवल बनाने की विधि सिखा रही हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं। देखिए मैंने क्या क्या सामान लिया है। मेरे पास ये 250 ग्राम परवल है। इसके लिए मैंने 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पिसी हुई, थोड़ी सी सौंफ और मेथी पिसी हुई, भून करके पिसी हुई, आधी चम्मच भुना हुआ जीरा, और ये लहसुन, अदरक और एक हरी मिर्च। तो इन सब का मैंने पेस्ट बना लिया है। 4 जवा लहसुन, 1/2 इंच अदरक और 1 हरी मिर्च, इनको पीस करके मैंने ये पेस्ट बना लिया है। उसके बाद हमें थोड़ा सा कटा हुआ, महीन कटा हुआ, बारीक कटा हुआ प्याज भी चाहिए, 1 छोटा प्याज, 1 चम्मच अमचूर पाउडर और 1 चम्मच नमक। नमक अपने स्वाद के अनुसार आप कम या ज्यादा कर सकती हैं। तीन चम्मच पिसा हुआ प्याज। इतनी सारी चीजें, देखिए थोड़ा थोड़ा करके कितनी सारी सामग्री होगी। अब मैं मसाला तैयार करती हूँ। हाँ, तेल भी, 3 चम्मच तेल भी चाहिए। अब मैं गैस जला करके इस मसाले को थोड़ा सा फ्राई करके तैयार करूंगी। देखिए हमने 1 चम्मच तेल डाल, आधी चम्मच तेल डाला था, हमारा तेल हो गया। अब हम इसमें कटा हुआ प्याज डालेंगे। थोड़ा सा प्याज को चलाते रहेंगे जिससे ये अच्छी तरह से सोते नहीं करना है इसको। थोड़ा सा हमें गुलाबी कलर का बनाना है। मेरा प्याज भून गया है, थोड़ा सा कलर भून देगा तब मैं इसमें और मसाले डालूंगा। देखो हमारा प्याज भून गया है। अब हम इसमें हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, ये सब हुआ प्याज, मेथी का पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ी सी आंच कम कर देंगे। नमक सब ढीले ही पड़ता है। अदरक लहसुन का पेस्ट, और अंत में पिसा हुआ अमचूर। अगर आपके पास अमचूर ना हो तो आप नींबू भी डाल सकते हैं। हमारा मसाला बहुत अच्छी तरह भून गया है।
कितना अच्छा मिलेगा। अब मैं उसे ठंडा करने के लिए रख देती हूँ। अपने परवल को काटेंगे। परवल मैंने ये इनको मैं छीलूंगी नहीं, लेकिन थोड़ा सा फुरस दूंगी ताकि ऊपर का काड़ापन इसका निकल जाए। अभी परवल छिल गए, अब मैं इनके किनारे काट दूंगी। परवल के किनारे कट गए हैं, अब मैं इनको इस तरह से चीरा लगा करके ऐसे इस तरह से चीरा लगा के सबको रख लूंगी। हमारे परवल में चीरा लगा दिया और अब मैं इसमें मसाला भरूंगी। मसाला ठंडा हो गया परवल के इस तरह से करके। सारे परवल भर गए हैं सब। अब मैं गैस जला रही हूँ। जो मैंने तेल रख छोड़ा है उसको मैं इसमें डाल दूंगी। अब हम सारे परवल एक एक करके रख देंगे। पकने के लिए हम आधी कटोरी पानी भी डाल देंगे। जो मसाले वाली प्लेट थी उसको धो के मैंने डाल दिया। मैंने प्लेट में मसाला था उसका आधा आधी कटोरी पानी में घोल के उसको डाल दिया। अब मैं इसको पकने दूंगी। और मैंने अपनी गैस जो है वो धीमी कर दी है, धीमी आंच में पकेंगे। लगभग 15 मिनट हो गए इसको मैंने धीमी आंच में 15 मिनट तक पकाए थे। देखिए हमारे परवल कितने अच्छे पके हैं, बहुत अच्छे बन गए हैं। देखिए मेरे परवल कैसे लग रहे हैं, बरवा परवल अच्छे लग रहे हैं ना। आप भी बनाइए, खाइए। यदि आपको पसंद आए तो मेरी रेसिपी को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।